नमस्कार बोकारो, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और अभी मैं वन प्रमंडल पदाधिकारी यहाँ आया हुआ हूँ और मामला ये है कि आखिर लूट को किसने दी छूट, या ये भी कह सकते हैं कि आओ खेले जमीन जमीन का मामला बोकारो में ऐसा संज्ञान में चल रहा है जिसको लेकर के वन प्रमंडल पदाधिकारी भी परेशान है और सारे अधिकारी भी परेशान हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि इनके द्वारा पहले FIR दर्ज करने की कोशिश की जा रही है लेकिन प्रशासन के द्वारा FIR नहीं लिया जा रहा है। कितना वन भूमि को दबंगई से या किस तरह से उसको कब्जा किया जा रहा है, इस पर मैं वन प्रमंडल पदाधिकारी से बात करूंगा और जानना चाहूंगा कि क्या है मामला। सर, न्यूज बाइस्कोप में आपका स्वागत है। सर, क्या ये तेतुलिया मौजा का मामला है जो कुछ ऐसा 95 एकड़ का प्लॉट है जिस पर, क्या है सर, थोड़ा बताएंगे सर? धन्यवाद। 95.65 एकड़ अधिसूचित वनभूमि जो नोटिफाइड फॉरेस्ट कहलाता है वो राज्य सरकार के द्वारा BSL, उस समय सेल के नाम जानी जाती थी, उनको इंडस्ट्री टाउनशिप बनाने के लिए दिया गया था। जो वनभूमि जिसको जिस पर्पस के लिए दी जाती है उसी पर्पस में उसको उपयोग करना होता है, अर्थात उनको इंडस्ट्री टाउनशिप ही बनाना था। लेकिन कालांतर में रिसेंटली 2016-17 के आसपास लगभग 50-60 वर्षों के बाद वो ज़मीन किसी निजी हाथ में चली जाती है, तो यह एक अपने आप में एक गंभीर मामला है। सरकारी संपत्ति इस प्रकार से किसी निजी हाथ में चला जाए, यह इसको देखते हुए हम लोग जो हमारे जो कर्मी हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं। इस संदर्भ में हमारे द्वारा ऊपर भी रिपोर्ट किया जा चुका है, इस संबंध में निर्णय लिए गए हैं, उसके अनुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं। इस सरकारी संपत्ति को बचाने के लिए जो भी नियमानुकूल कार्रवाई होगी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये बता सकते हैं कि ये वन भूमि की जो ज़मीन है वो कब BSL के पास गया और वहाँ से एक निजी हाथों में कैसे गया, कब गया सर? वर्ष 1962 में राज्य सरकार के आदेश के बाद वन भूमि हस्तांतरित किया गया BSL को, जिस पर हस्तांतरित में जो एक्सेप्ट करने वाले ऑफिसर हैं उनका भी नाम है और जो देने वाले उसमें DF हैं उनका भी नाम है, अर्थात पेपर पर लेने और देने वाले दोनों का नाम है ज़मीन पर। तो ये भी सर हम कह सकते हैं कि सेल प्रबंधन और जिला प्रशासन के मिलीभगत से ये खेल हो रहा है, जो कि एक सेल के द्वारा एक निजी हाथों में जाना कहीं ना कहीं ये संलिप्तता है सर? यह ज़मीन BSL को दी गई थी, BSL का ही यह दायित्व था कि उस ज़मीन की रक्षा करें और उसको अपने उपयोग में लाएं। वो ज़मीन किसी रैयत किसी निजी व्यक्ति के हाथ में जाना। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।